हे नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल इंटर जगत में। आप सब देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल इंटर जगत। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये जो हमारा है ये टेंपल है, जो मंदिर है, मंदिर का ये पूरा कैबिनेट है। तो इसमें अभी हम लोगों का क्या है ना कि जाली लगाना है। कभी कभी आप जो वीडियो में देखते होंगे तो वो वीडियो में आप सिंगल जाली देखते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग का ये वास्तु के हिसाब से, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने इसको ऐसा प्लेस किया है कि इसको ये इसका जो फेस है वो मतलब वास्तु डायरेक्शन में हो। इसके लिए इसको हम लोगों ने थोड़ा राउंड किया है और इसके साइड में दोनों साइड में हम लोगों ने यहाँ पे जाली का प्रोविजन किया है। तो जाली कैसे लगाते हैं, इसमें हम लोग कौन सा लाइट यूज करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करें इंटरनेट जगत चैनल को और पास ही इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए लेटेस्ट डिजाइन वीडियो सबसे पहले। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो में दिखाता हूं कि जाली और लाइट कैसे लगाते हैं। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं सबसे पहले यहां पे आपको बता दूं कि इसमें जो हम लोग लाइट यूज करते हैं ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये जो लाइट हम लोग का यूज होता है इसमें ये 120 एलईडी इन 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में 120 एलईडी होता है। ये हाई पावर का स्ट्रिप लाइट होता है जो कि इसमें हम लोग वार्म व्हाइट का यूज करते हैं। और अगर मैं आपको लाइट दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला लाइट हम लोग का ये पूरा, ये जो 1 मीटर में अगर हम बात करें, अगर लंबाई में से अगर आप 1 मीटर देखेंगे तो ये जो दाना होता है ना एलईडी का दाना, ये 20 मीटर, 1 मीटर में 120 एलईडी का दाना होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप लाइट जाली के पीछे में हमेशा यही स्ट्रिप लाइट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये हमारा जो घुमा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा, इसको हम लोगों ने 5 मीटर का पूरा ये स्ट्रिप इसमें एक साइड में लगा दिया है। और ये इस साइड में आप जो देख रहे हैं ये 5 मीटर का स्ट्रिप एक साइड में हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। और अगर मैं एडाप्टर की बात करूं तो ये हम लोग का क्या है ना कि एडाप्टर यहाँ पे दोनों जाली में, ये जो आप एडाप्टर देख रहे हैं ये हम लोग का एक जो स्ट्रिप लाइट होता है 5 मीटर का, वो 5 एम्पियर में आपका चलता है। लेकिन जब यहाँ पे आप 10 मीटर यूज करेंगे, ये हमारा दोनों मिला के 10 मीटर हो गया, तो 10 मीटर के लिए जो हमने SMPS यूज किया है ये हमारा 10 एम्पियर का SMPS है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप एडाप्टर भी बोल सकते हैं, SMPS भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है वायर, यहाँ पे आप कनेक्शन देख सकते हैं दोनों का कनेक्शन। और जो AC है, मतलब जो करंट है, वो एक ही स्विच में है, मतलब ये एक ही पॉइंट में है, ये एक ही पॉइंट करंट यहाँ पे SMPS में गया है और वो वहां पे देखिए 2 पॉइंट यहाँ से हमारा स्ट्रिप लाइट का इसमें कनेक्शन लगा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो दिखा रहे हैं कि अभी हम लोग इसको जाली लगाएंगे। तो जाली कैसे लगाएंगे, ये लाइट का प्रोसेस हो गया है। अगर मैं आपको इसको जला के दिखाऊंगा तो अभी हम लोग इसको ऑन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका लाइट का, आपका थोड़ा एक बार इसको देख लीजिए। ये देखिए लाइट है ना, तो इसमें बहुत ही ज्यादा ब्राइट लाइट आपको मिलता है। जाली के बैक लाइट में हम लोग इसको यूज करते हैं हमेशा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं इसको लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम लोग इसको जाली को इसके ऊपर में लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। और जाली लगाने के लिए सबसे पहले मैं आपको और एक चीज दिखा दूं, यहाँ पे हमारा जाली का थिकनेस है 12 mm और 3 mm का हम लोग का एक्रेलिक होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइड में ये जगह को रखा हुआ है, ये आप देख रहे हो ना। तो जो जाली हम लोग लगाएंगे, हाफ इंच अप्लाई देना, ये हमारा हाफ इंची का जो प्लाई आप देख रहे हैं ये जाली है। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा आपको गैप मिल रहा है ना, ये गैप जो है, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जब जाली और हम लोग एक्रेलिक दोनों मिला के लगाएंगे तो ये इस फेस में हमारा जाली आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ग्रुप, ये 19 mm का पट्टी आपको मारना है और इधर से जो इसका थिकनेस, जो ये जो जितना थिकनेस आपका जाली होगा, मान लीजिए 19 mm का जाली होगा, तो ये 19 mm और एक्रेलिक सीट का जो थिकनेस होगा वो दोनों थिकनेस को मिला के ये जगह को आपको ग्रुप छोड़ना है। और इस तरीके से आपको चारों तरफ से, ये आप दोनों तरफ से भी बीट मार सकते हैं, इधर से भी मार सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक बीट मारा हुआ है और एक यहाँ पे ये वाला हाफ इंच ही चला जाएगा, फिर इसके ऊपर में ओवरलैप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाली लगाने का जो जगह है हम लोगों ने ऐसा रेडी कर दिया है। तो अभी मैं इसको लगा के आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये आप जो देख रहे हैं ये हम लोग जो जाली है, ये हम लोग का WPC क्वालिटी का जाली है हमारा, और ये 12 mm थिकनेस में है। और ये जो आप एक्रेलिक देख रहे हैं ये 2.5 mm का हमारा ये एक्रेलिक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अभी हम लोग ये जो गार्ड है यहाँ पे हम लोग इसको लगाने वाले हैं, लगाओ इसको। अभी हम इसको आपको लगा के दिखा रहे हैं कि जैसे ये लग रहा है, तो ये हम लोग का साइड में, अभी हम लोग जो इसको स्क्रू करेंगे, ये हम लोग का मिरर कैप होता है, आप हर वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग इसको दिखाते हैं। तो ये मिरर कैप, ये स्क्रू का जो हेड होता है ना, उसको छिपाने के लिए होता है। तभी क्या है कि ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है, जब हम इसको लगाएंगे तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इसलिए हम लोग ये जाली लगाने के लिए, स्क्रू लगाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको लगाते हुए कि इसको हम लोग फिक्स कैसे करेंगे। ओके,
अभी एक साइड का हम लोग का ये जाली, एक स्क्रू वहाँ पे और एक स्क्रू नीचे में दे चुके हैं। अब ये दूसरा साइड का जो जाली है उसको अच्छे से बिठाना है, राना मारना पड़ेगा, देख लो। कभी कभी क्या होता है कि जाली हम लोग का थोड़ा बड़ा हो जाता है या फिर एक्रेलिक बड़ा हो जाता है, तो अभी हम लोग इसको रांधा से साइड से इसको रांधा मारेंगे, क्योंकि ये WPC है तो इसका वाइट करने का कोई टेंशन नहीं है, पूरा ये और भी प्योर वाइट हो जा रहा है। तो इसको आप आराम से इसको रांधा मार सकते हैं। अगर आपका साइज छोटा हो जाता है या फिर आपका बड़ा हो जाता है साइज, तो आपको इसको साइड से आप रांधा मार के इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं अपने जगह के हिसाब से। तो अभी हम लोगों ने इसको साइज को रांधा मारने के बाद फिर से इसको हम लोग उसमें लगा के देखेंगे। उधर पे पहले स्क्रू दे दो ना, तो फिर भाग जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारा बॉटम में एक, वहां पे दो, और इस साइड में देखें, इस साइड में देख के, इस साइड में यहाँ पे एक और यहाँ पे, ये तीन हम लोगों ने स्क्रू कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली टेप मार्क हम लोगों ने रखा है, जो पीछे का एक्रेलिक है उसको साथ में करने के लिए टेप मार्क रखते हैं, ताकि एक्रेलिक इधर अंदर तरफ ना चला जाए और क्रैक ना हो जाए। तो इसके लिए वो एक्रेलिक दोनों साथ में रहेगा, तो स्क्रू आपका आसानी से, ये एक्रेलिक भी साथ में होगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि एक्रेलिक जाली के पीछे में हम फिक्स कर सकते हैं कि नहीं, तो हाँ आप इसको फेविक्विक एरालाइट से, अभी आपको जैसा भी फिक्स करना है, आप एक्रेलिक को बैक साइड जाली में फिक्स करके फिर इसको आप लगा सकते हैं, तो उससे ज़्यादा आपको ईजी होगा लगाने में। कभी कभी क्या होता है कि एक्रेलिक पीछे तरफ आपका ना चला जाए स्क्रू करते समय, तो आप अगर इसको फिक्स करके भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे स्क्रू कर दिया है, यहाँ पे कर रहे हैं और एक ऊपर में उस कॉर्नर में भी करेंगे। तो अभी ये आपका मोस्ट प्रॉब्लम हम लोगों का जाली ये लगना हो गया है, तो अभी इसको हम लगा के ऑन करके इसका लाइट दिखाएंगे कि इसका कैसा इफेक्ट आ रहा है। और इस जगह में यहाँ पे हेड में एक हमारा स्पॉट लाइट, स्टैगर स्पॉट लाइट यहाँ पे लगेगा। कभी अगर मंदिर का जाली नहीं जलाना है तो लाइट नहीं जलाना है, तो ये एक छोटा सा स्पॉट लाइट से हमारा काम मंदिर का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरा इसको लगा रहे हैं MDF जाली। और नीचे का कैबिनेट आप देख सकते हैं ऐसा है, दो पल्ला है, वहाँ पे एक ड्वायर है, तो मैं इसका एक पूरा पूरा प्रोविजन आपको मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। तो अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग का ये क्या है कि जाली का काम हो चुका है, और इसको अभी हम लोगों ने ये पूरा जो स्टार है ये सारा हम लोगों ने लगा दिया है, और इसका जो टेप है अभी वो टेप हटा रहे हैं। तो अभी ये मैं पूरा इसको आपका लाइट ऑन करके दिखाऊंगा कि इसका जो इफेक्ट है वो कैसा आ रहा है। एक बार लाइट ऑन करो, ये देखिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरा जाली लगने के बाद ये आप देख रहे हैं कि इसका एक जो इफेक्ट है बहुत ही सुंदर आ रहा है। और ये दोनों साइड में ही जाली हम लोग का, और सब जगह में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हम लोगों ने किया है। अभी मैं इसको एक ओवर भी दे देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग का क्या क्या है, तो मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ। आपने देखा ये हमारा सारा काम यहाँ पे हो चुका है, अभी मैं इसका एक प्रोविजन दिखा देता हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है। सबसे पहले ये एक हमारा कैबिनेट है, और कैबिनेट के कॉर्नर में हम लोगों ने ये मंदिर को डिजाइन किया है। तो यहाँ पे पहला एक स्टोरेज के लिए हमारा एक ड्रायर है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और नीचे में दो पल्ला है, यहाँ पे अभी हमारा सिलेंडर रखा हुआ है। तो इस जगह में आप देख सकते हैं कि दो पल्ला हम लोग का यहाँ पे आराम से इसको स्टोरेज वगैरह पूजा सामान वगैरह हम लोग रख सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम लोगों ने आर्च किया है, और इधर वाला एरिया, इधर वाला एरिया हम लोग सॉलिड करके फिक्स करके यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा एक ट्रे दिया है, ताकि आप इसमें कुछ भी मतलब धूप काटी वगैरह जो भी होगा तो आप इसमें आराम से रख सकते हैं। उसके बाद इसमें इसको आप क्लोजली बंद कीजिए, और इसको जो हम लोगों ने हाइट किया है, ये 4 इंच का प्लेटफॉर्म इसको हाइट किया है। यहाँ प्रतिमा है, प्रतिमा को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पॉटलाइट हमारा यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से ये जो कॉर्नर का मंदिर है, कभी कभी वास्तु के हिसाब से या फिर आपका पूजा डायरेक्शन के हिसाब से इसको हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा मंदिर का डिजाइन है, जाली कैसे लगाते हैं, आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।